पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक तरफ उनके घर में मातम छाया हुआ था तो दूसरी तरफ हत्यारे मौत का जश्न मना रहे थे। इन कातिलों को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं था। ये फोटो हत्या के 3 महीने बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए कैसे ये हत्यारे मूसेवाला की मौत के बाद हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ये फोटो क्लिक की गई, यानी कातिल बड़ी आसानी से मूसेवाला को मौत के घाट उतार कर गुजरात पहुंच गए। इस फोटो में अंकित सिरसा, दीपक मुंडी, सचिन भिवानी, प्रीवर्त फौजी, कपिल पंडित और कशिश उर्फ कुलदीप दिखाई दे रहे हैं। इनमें से दीपक मुंडी अभी भी फरार है। इससे पहले इन सभी लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इनके हाथों में हथियार नजर आ रहे हैं। ये वीडियो शूटर अंकित सिरसा के मोबाइल में मिला था। आपको बता दें कि मूसेवाला की हत्या के बाद 5 राज्यों की पुलिस इन हत्यारों के पीछे लगी हुई थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए रेड कर रही थी। इसके बावजूद ये लोग गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर एंजॉय कर रहे थे। आपको बता दें कि मूसेवाला हत्याकांड में 1850 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी गई है। इस चार्जशीट में कुल 36 आरोपियों में से 24 के नाम दिए गए हैं। पुलिस की चार्जशीट में मास्टरमाइंड के तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस के अलावा जग्गू भगवानपुरिया, मनमोहन मोहना, संदीप केकड़ा, दीपक टीनो, सचिन भिवानी, केशव के साथ शार्प शूटर अंकित सिरसा, प्रीवर फौजी, कशिश और एनकाउंटर में मारे गए जगरूप रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू का नाम शामिल है। पुलिस ने कत्ल के दिन मूसेवाला के साथ थार में सवार गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत को भी गवाह बनाया है। इन दोनों के अलावा जांच से जुड़े पुलिस अफसर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, फॉरेंसिक टीम के सदस्य और चश्मदीदों के नाम शामिल हैं। इनके अलावा कत्ल के बाद शूटर जहां रुके थे उनके नाम भी गवाह के तौर पर दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज और हथियारों को अहम सबूत बनाया है। पुलिस ने मूसेवाला के थार का पीछा करती कोरोला और बोलेरो के अलावा कई फुटेज जमा किए हैं, जिनमें शूटर्स के रुकने वाले होटलों के फुटेज भी शामिल है। इसके अलावा एनकाउंटर में मारे गए रूपा और मन्नू से मिले हथियार, घटना स्थल से मिले कारतूस की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अहम सबूत बनी है। आपको बता दें कि मानसा जिले के जवाहर के गांव में 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने 28 वर्षीय मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।